तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में क्षेत्रमिति जो कि 12.1 है। तो आप सभी दोस्त वीडियो में बने रहिए क्योंकि जो भी दोस्त एग्जाम देने वाले हैं क्षेत्रमिति उनके लिए वीडियो बहुत ही फुल रहने वाला है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत कर दिए हैं क्षेत्रमिति से। ठीक है, आइए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, आप ध्यान से इसको देखिए और रिवाइज मारिए। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 cm और 9 cm है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये व्यास हो जाएगा, ये भी व्यास हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। यानी यहाँ पर R1 का मान दिया हुआ है कितना, जी हाँ 19 cm दिया। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये वाला हिस्सा जो है आपका हो जाएगा व्यास, और व्यास का आधा क्या हो जाएगा, जी हाँ त्रिज्या। यहाँ पर मान सकते हैं R2 का मान कितना आपका हो जाएगा, 9 cm। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर वृत्त की परिधि क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप 2πr1। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका 2πr2। ठीक है ना, r1 r2 मान सकते हैं। आइए इसे हल करते हैं, आप सभी दोस्तों को काफी लाभ होने वाला है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लिखेंगे, सबसे पहले हम सब लिखेंगे यहाँ से हल। ठीक है ना, लिखेंगे हम सब दोस्तों दिया है। ठीक है, क्योंकि मान दे दिया गया है, यहाँ दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याएं, यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ से R1 का मान दिया है 19 cm। ठीक है, और R2 का मान क्या दिया दोस्तों, 9 cm। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं हम लोग नाव। ठीक है, हम लिखेंगे दोस्तों पहले वृत्त की परिधि। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे आगे दोस्तों 2πr होता है वृत्त की परिधि, यहाँ से R1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2π, और R1 का मान क्या है दोस्तों, 19 है। ठीक है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 19 × 38π। ठीक है ना, चलिए उसके बाद दूसरी स्थिति क्या करें दोस्तों, दूसरी, ठीक है, वृत्त की परिधि। ओके, चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2πr2 हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा, पाई का मान पाई रख लीजिए, और R2 का मान कितना, 9 है, इसमें मल्टीप्लाई किया कितना दोस्तों, 9 × 18 हो जाएगा आपका पाई। ठीक है, चलिए अब बोला इसमें है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के परिधि को, जी दोस्तों यहाँ बोला है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर, योग मतलब जोड़। तो लिखेंगे यहाँ से हम लोग प्रश्न अनुसार। ठीक है ना, आप लिख सकते हैं प्रश्न से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से लिखेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर कह रहा है दोनों परिधियों के योग के बराबर है ना, चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नए वृत्त की परिधि। ठीक है ना, इसको आप सी बोलते हैं, बराबर देखिए पहला, देखिए यहाँ पर पहला हो जाएगा दोस्तों वृत्त की परिधि प्लस दूसरा हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए नए वृत्त की परिधि, इसको मान सकते हैं आप लोग 2π, यहाँ पर बढ़ का R मान सकते हैं। ठीक है, बराबर R1, देखिए ये पहला वाला मान कितना है, 38π ना, यहाँ पर लिखेंगे आप 38π। ओके, प्लस यहाँ पर कितना मान है दोस्तों, 18π, यहाँ पर लिखेंगे आप 18π। ठीक है ना, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, और आप एग्जाम में आसानी से फायदा उठाएंगे। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 2πr। अब देखिए 38 और 18 कितना होता है दोस्तों, 56 होता है, पाई पाई है तो पाई जुड़ जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पर काटिए दोस्तों, यहाँ पर आपका पाई और पाई कट जाएगा बराबर में, और यहाँ से 2 से भी कट जाएगा, 28 × 56। ठीक है ना, ओके, चलिए यहाँ पर बढ़ता आ रहा, यानी कहने का नए वृत्त की परिधि कितना आ गई दोस्तों, 28 cm। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पहला सवाल 12.1 क्षेत्रमिति में कोई दिक्कत होने वाली
सी हैं। सबसे पहले हम क्या किए हैं, सबसे पहले हम एक ब्रिज बनाए हैं, R1 माने हैं, यहाँ पर R2 मान दिए हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों को योग कर दिए हैं, देखिए पहले ब्रिज की परिधि निकाल दिए, दूसरे ब्रिज की परिधि निकाल दिए हैं। अब देखिए नए ब्रिज की परिधि क्या, 2πr यहाँ पर R मान दिए हैं, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए हैं, बराबर में काट दिए हैं, उसके बाद R का मान कितना है 8πr। दोस्तों यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि 12.1 का पहला सवाल आप आसानी से आप बना पाएंगे और अपना हाथ जमा पाएंगे। अच्छा दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोस्तों से। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।